हेलो दोस्तों जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आज सुबह से किसी फ़ोन ने मुझे उठा दिया है और सुबह के अब 7 बज गए वैसे तो, और उसके बाद हम हो गए हैं फ्रेश और आप कर रहे हैं आप लोगों से बातें। और वैसे भी संडे है, संडे को कितना मज़ा आता है ना सोने में, लेकिन कोई फ़ोन ऐसा अचानक ऐसे आ जाता है ना तो मज़ा नहीं आता है। और जब मैं उठी, फ़ोन ने काम अच्छा भी किया ना, जब मैं उठी तो मुझे पता चला अरे यार मेरे फ़ोन की बैटरी भी 3 रह गई है, तो मैंने फटाफट फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया। और अब मैं थोड़ा सा बातें करने आप लोगों से। कैसे हो आप सभी? बढ़िया मस्त। और यार आज बालों में मेहंदी भी लगानी है, थोड़ी सी बालों में मेहंदी लगाऊंगी और उसके बाद करेंगे। और देखो मैं ऐसे ही बैठ गई आप लोगों से बातें करने, लेकिन वो ये मॉर्निंग है तो ऐसे होगा भाई, आप अच्छे से सूट में थोड़ी बैठेंगे तो इसलिए। और फिर सुबह सुबह उठ के क्या करना होता है, सुबह उठ के करना होता है 1 गिलास पानी पीना होता है, जो मैं अभी पी के आई हूँ, और उकड़ू बैठ के पीना होता है। दोस्तों मैं सलाह दे रही हूँ, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लेट के पियो, उठ के बैठो, भाग के पियो, जैसे मर्जी पियो, लेकिन एक अच्छी दोस्त होने के कारण मैं एक सलाह आप लोगों को देंगी कि आप उकड़ू बैठ के पानी पियो, जिससे आपको अच्छे सा मतलब फ्रेश हो जाओगे अच्छे से, तो वो चीज़ करनी ज़रूरी है। चलो सारे दिन का रूटीन दिखाते हैं, वो भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया, कैसे किया, वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो मिलते हैं थोड़ी सी देर में। अभी सोच रही हूँ कि थोड़ी सी देर और सो जाऊँ, लेकिन सोना नहीं चाहिए। और देखो ये तो पार्क गए हुए हैं और मुझे बोलते, लेकिन मैं नहीं जाती क्योंकि मेरे को आलस आता है, तो मैं घर में ही योगा कर लेती थोड़ा। बहुत ज़्यादा आलसी हूँ तो आलस के कारण क्या किया, मैं बेड पर योगा करके, आपको पता है, और आपने नींद भी खुद जरा तो बेड पर थोड़ा सा योगा किया मैंने, और थोड़ा सा मैं कर रही हूँ। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? सही तो बढ़िया यार, मौका मिला मुझे नहा के बैठने का, और रूटीन में सारा आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि पता क्या है, मैंने ना बालों में मेहंदी लगाई हुई थी और तो बालों में ना मेहंदी लगाई थी तो उससे ना अच्छा नहीं लगता, मतलब ये चीज़ें भी दिखाना, पहले मैं दिखा देती थी, अब बार बार वही चीज़ रिपीट करना अच्छा नहीं लग रहा, तो मेहंदी का कलर अच्छा आ गया बालों में। और बालों में मेहंदी यार इसलिए लगाती हूँ क्योंकि थोड़े हेल्दी रहे बाल, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम से ना सब बाल कर रहे थे, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है मेरे बाल ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए। और मतलब बुरा मत मानना आप लोग, मैं ऐसे ही मतलब थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ऐसा हो जाता है, और बालों को हेल्दी रखना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी किसी के पास कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती है जो किसी को पसंद आती है, और हर किसी इंसान को अपने ऊपर कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे मुझे अपने ऊपर लगता है कि बाल, और बाल के अलावा मेरे को लगता है अपने ऊपर जो भी मैं कपड़े पहनती हूँ वो, और तो तारीफ होती रहती है, कभी कोई कुछ बोल देता, कभी कुछ बोल देता। और मेरी एक मतलब पड़ोसन थी, उसने बोला था कि आपकी आँखें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मतलब आप तो मेरे को थोड़ा सा तबीयत को ठीक नहीं रहती थी, इस वजह से ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, किसी ने बोला कि आपकी आँखें अच्छी हैं, किसी ने बोला कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो और अच्छे लगते हो, विदाउट मेकअप भी बहुत सुंदर लगते हो। और तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा ऐसा है क्या, तो कहते हाँ, और कह रहा आप थोड़े मोटे हो गए, और भी अच्छे लगते हो, पतले थे जब इतने अच्छे नहीं लगते, इतने मोटे हो गए ना तो थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो उन्होंने बोला कि अच्छा जी चलो कोई बात नहीं, लेकिन यार दोबारा से पतला होने लगी, जैसे मेरी शादी हुई थी शादी के टाइम पर पतली थी ना, वैसे होना शुरू हो गई, मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा पतला इंसान, मेरे को थोड़ा मोटा मोटा जो मतलब भरमासा होता है ना इंसान, वो अच्छे लगते हैं। और मतलब उस टाइप से जो भी हम ओढ़े पहरे वो अच्छा लगे, वो इस पर ध्यान में रहना चाहते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ पता नहीं यार क्या हो रहा है, मैं तो कई बार सोचती कभी सच्ची में नज़र तो नहीं है, कहना नहीं चाहिए अपने आप को, ज़्यादा वो नहीं बनाना चाहिए कि हाँ नहीं अपने आप को नहीं क्या समझती, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है इलाज बताऊँ।
तो इलाज बता सकते हो यार, कोई दोस्त यार दोस्त हो, सहेलियाँ हों, कोई भी हो तो दोस्त हो तो ये चीज़ें बता दो, थोड़ी मतलब एनर्जी आ जाए, ऐसी कोई चीज़ें बताओ। मैंने सूट डाला आज ये, यानी यार कुर्ती है वो तो कुछ ऐसी है नहीं। लेगिंग के साथ इसको डालो तो अच्छी लगती है। आज मैंने सोचा कि चल आज ये पहन लेते हैं, और नवरात्रि है, नवरात्रि के अवसर से अच्छे अच्छे कपड़े पहने और अच्छे अच्छे गहने पहने, लेकिन अपने पास से मैं से नहीं हो पाता तो वो चीज़ें जैसे कि मैं देखो खाने में कुछ नहीं मिला, सिर्फ गले में वो डालते रहते हैं। अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं था करवा चौथ आने वाली है, सच्ची में मेरे को ध्यान ही नहीं है। तो मैंने आज सुबह अपने पति से बोला कि सुनो, तो कहते क्या, कह रहा करवा चौथ आने वाली, तो कह रहा क्या करूँ भाई, सबके पति ऐसे बोलते हैं क्या, क्या तो बता दो, सबके पति ऐसे बोलते हैं क्या है? बोलते तो मैं क्या करूँ, मैं कहा बताओ क्या करना है। तो कहते हैं अरे तो इतना तो खरीदती रहती कपड़े लगते हैं, क्या ज़रूरत है। तो मैं बोले हैं, फिर मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया तो कह रहा अच्छा ठीक है ठीक है। तो अरे इतने झटके से बता कुछ भी बोल देते, हम सारा दिन उनके लिए व्रत रखेंगे वो कुछ भी बोल देते। तो ये आज सुबह मेरी बात हुई इनसे, और फिर उसके बाद कहते पहले तो अपने आप को फिट रख और उसके बाद बात करियो। तो कहता अच्छा नहीं लगता है भाई, सारा दिन बीमार रहती है, मतलब अभी रहने लगी कुछ महीने से। हाँ जब से मैं हॉस्पिटल गई हूँ ना, तब से यार जब से मैंने ब्लड चढ़वाया ना, तब से मेरे को ना गड़बड़ होने लगी, पता नहीं क्यों। नहीं तो मेरे ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ ज़िंदगी में मेरे, अब होने लगा, क्यों होने लगा पता नहीं। या तो हम मेरे ख्याल से उम्र हो गई होगी, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ना इंसान की तो वैसे वैसे थोड़ा सा ना होता रहता है, या उसकी मनपसंद चीज़ें ना मिलती होंगी इसलिए हो जाता होगा बीमार, है ना, ऐसा भी हो सकता है। मेरे तो मनपसंद की सारी चीज़ें हैं मेरे पास, हाँ एक दो चीज़ें हैं नहीं हैं जिनकी कोशिश कर रही हूँ मैं पूरी की, वो भी मिल जाए मिल जाएंगी अगर इरादे नेक होंगे तो वो चीज़ें मिल जाएंगी। बतला दूँ मैं आप लोगों से, लोग गर्मी बहुत ज़्यादा यार, शाम हो गई है ठीक है, शाम हो गई है और मैं इस चीज़ यार मतलब है, जो लोग बोलते हैं कि लाइव आओ, हम लाइव आए और लाइव आने के बाद बात नहीं हुई और इस चीज़ का भी गुस्सा है। और शाम देखो कितनी खूबसूरत है ये देखो, और कुर्ती भी मेरी खूबसूरत है और अच्छी है, और सन देखो कितना अच्छा सा तो हो गए हैं, तो अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है। तो और सामने देखो चांद आपको नज़र आए तो ये देखो चांद, वहाँ सन छिप गए हैं, उधर चांद जी आए हैं, तो ये अच्छा नज़ारा है। और अब मैं चलूँगी छत से नीचे, क्योंकि यार मेरा नीचे चल नहीं रहा था नेटवर्क, मैं छत पे आई थी, छत पे काफ़ी कपड़े हैं और मतलब सारा काम अब जाके फिर नीचे करेंगे। और तबीयत पहले से बेटर है, मतलब इतनी बेटर भी नहीं है कि हम थोड़ी मतलब ज़्यादा काम करें, ज़्यादा काम नहीं कर सकते, मतलब इतनी है कि आप थोड़ा काम कर सकते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे सुधर जाएगी तबीयत हमारी। क्यों बीमार होता है ये तो मुझे भी नहीं पता चलता, तो चलो हाँ चलो आओ नीचे, हो गया है अब करने जा रही हूँ चेंज। और आज का व्लॉग यही था और जो भी था यार जैसा भी था अच्छा ही डाला मैंने तो कोशिश करके पूरा, कि भाई जैसा है और पर वही बात आप लोगों को कमी लगती होगी, क्यों लगती है पता, तो कमी है किस चीज़ की है वो आप लोग बता सकते हो, क्योंकि मुझे तो समझ में आती नहीं है।
तो थोड़ा बहुत जो भी है जैसा भी है आता है जैसा भी वैसे कर लेती हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, हो जाता कभी कभी। तो यार थोड़ा यहाँ खड़ा होना ना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ बीच बीच में। और कल हम लाइव आएंगे, मंडे हैं तो हम लाइव आएंगे 4 बजे, 4 से पहले भी आ जाएंगे, जो यूनिट फिक्स है 4 बजे से पहले भी आ जाएंगे। तो इसलिए आप जुड़ना 4 बजे और मिलते हैं फिर अच्छे ब्लॉग के साथ, एक खूबसूरत के साथ जो मैं लेके आऊँगी आपके दोस्त ज्ञान भी। और बस ऐसे लेके आते रहेंगे और जब तक है जान जिएंगे और ब्लॉग बनाते रहेंगे मस्ती से। तो चलो बाय, अपना अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना और मेरे ब्लॉग्स ऐसे देखते रहना। बाय जी, बाय दोस्तों।